हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज को वीडियो में हम देखेंगे फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर क्या है, उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम है, क्या होम मेडिसिन है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। मित्रों, फ्रोजन मीन्स इन्फ्लामेशन। हमारा जो शोल्डर होता है, इसमें जो ज्वाइंट्स होता है ऊपर का, उसको शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें फ्रोजन आ जाता है, फ्रोजन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको फ्रोजन शोल्डर होता है। तो फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, तो इनके लिए आपको मैं ये वीडियो में बताता हूँ। मित्रों, ये हमारा जो शोल्डर है, ये दूसरा जो हमारा अंग होता है, ये बोन एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट्स है। ये हमारा आर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वाइंट्स है। ये मेनली तरफ तीन बोन से ये हमको शोल्डर बनाता है। एक हमारा स्कैपुला नाम का बोन्स है, एक कॉलर बोन्स है और हमारा एक हाथ का बोन्स है। तीन बोन्स के साथ नंबर ऑफ लिगामेंट एक भुजा के साथ अटैच हुआ है। तो ये अटैच से हमारा शोल्डर ज्वाइंट बनता है, और शोल्डर ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो हमको ये फ्रोजन शोल्डर बोलता है। मित्रों, में ये आपको फिगर में बताता हूँ। ये जो है, ये हमारा हाथ का बोन्स है, और ये जो कॉलर बोन्स है ये आड़ा होता है। इसके पीछे का जो बोन्स होता है इसको हम स्कैपुला बोलते हैं, और इसको एक जगह को जो अटैच करके जो मसल्स होता है, ये लिगामेंट होते हैं। इससे जो सारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं। ये शोल्डर ज्वाइंट आर्टिफिशियल ज्वाइंट है। इसमें बोल्ड एंड शॉकेट टाइप का ज्वाइंटिंग होता है, तो इसमें कई बार इन्फ्लेमेशन और इंजरी बन जाता है, तब हमको फ्रोजन होता है, पेन होता है, तब उसको हम फ्रोजन शोल्डर बनता है। मित्रों, फ्रोजन शोल्डर जब भी होता है तब हमको सीवियर पेन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हाथ का मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। मित्रों, कई बार देखा होगा कि आप घर में हो और लेडीज को जब फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, तो एक तो सबसे पहले उनका जो कोम्बिंग करने का हो स्टाइल, वो कर नहीं पाती है। कई बार उसको साड़ी पहनना मुश्किल हो जाता है, कोम्ब करना मुश्किल हो जाता है। कई बार जो रोटी बनते हैं तो बेल नहीं पाते हैं, और उसका रिफंड पेन हो जाता है, और उनको इतना पेन हो जाता है आंख में से आंसू निकल आता है, और आधुनिक साइंस में उसको ऑपरेशन करना पड़ता है या स्टीरॉइड जैसी ऐसी इंजेक्शन लगा के उसको टेम्पररी राहत किया जाता है, पर उनका बहुत साइड इफेक्ट होता है और एक क्योर नहीं होता है, और लंबे टाइम्स उसका डोका भी दुखा हो जाता है और उसे कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाता है। तो मित्रों, उसका कौन सा कॉज है, तो सबसे पहले तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारा जो अंगों में एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं मिलता है, तो 30 से 40 उम्र के बाद फ्रोजन शोल्डर होने का चांसेस रहता है। सेकंड थिंग, हमारा मोटापा, हमारा जो वजन ज्यादा होता है और हमारा जो खबा सारा दिन ऐसे रहता है, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो ये अंगों में स्टिफनेस आ जाता है और हमको शोल्डर पेन हो जाता है। थर्ड कारण, कई बार हमको डायबिटीज होता है, उनको भी फ्रोजन शोल्डर होने का संभावना रहता है। फोर्थ कारण, तो जो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है, रात को हम तकिए के नीचे हाथ रख के सो जाते हैं और लॉन्ग टर्म ये मसल स्टिफ रहता है, तो स्टिफ होने का चांसेस रहता है और आपको ये फ्रोजन होने की संभावना रहती है। पांचवा कारण, जिन लोगों को यूरिक एसिड हाई होता है, ये यूरिक एसिड के लिए मैं आगे हम वीडियो में बताएंगे, तो यूरिक एसिड हाई होने से हमारे ज्वाइंट में यूरिक एसिड कंसोलिडिफाइड होता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है और पेन करता है। छठा कारण है रूमेटोइड आर्थराइटिस, जिसको लोई का फरता वा बोलते हैं, उन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार हमको इंजरी लग गया हो, हमने कुछ लिफ्ट कर दिया हो, कोई वजन उचक दिया हो और हमको फ्रोजन हो गया हो, तो इसको इंजरियल फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार हमको विटामिन B12 और कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से भी हमारा ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और इसके वजह से भी हमको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना रहती है। कई बार लिवर सिरोसिस या लिवर के रोग होता है, तो उसको राइट साइड रिफर्ड पेन होता है, पर्टिकुलर राइट साइड शोल्डर अफेक्टेड होता है, तो ये लिवर की वजह से होता है, हमारा लिवर वीक होता है, या लिवर में लिवर सिरोसिस या नैप बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड हिपेटाइटिस जो होता है, और अल्कोहलिक जो जिन लोगों को लिवर सिरोसिस होता है और फैटी लिवर होता है, उन लोगों को भी राइट शोल्डर में पेन होता है। तो मित्रों, ये जो उसका मेनली कॉज होता है, उसका कौन सा सिम्टम्स होता है, कई बार इतना सिम्टम सीवियर होता है तो आंख में से आंसू पेशेंट को आ जाता है, उसको मूवमेंट करने में भी मुश्किल हो जाता है। हमारा जो ये हैंड होता है, ये
180 डिग्री सुधी राउंड होता है, कहीं फ्रोजन शोल्डर होता है तो हम हाथ ऊंचा नहीं कर पाते, मूवमेंट्स नहीं कर पाते, कहीं मूवमेंट करो तो उनका रिफर पॉइंट डोक ऊपर जाता है, कई बार छाती में भी आ जाता है, कई बार पीछे भी आ जाता है, तो दर्दी को बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो थोड़ा भी मूवमेंट और स्लाइट एक्सर्शन से भी उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और आंख में पानी आ जाता है और वीकनेस आ जाता है। मित्रों, फ्रोजन शोल्डर से इतना पेन होता है, जब दर्दी को मूवमेंट्स करे स्लीप करना भी मुश्किल हो जाता है, उसका कपड़ा पहनना भी मुश्किल हो जाता है। पर्टिकुलरली हु लेडीज, जो वर्किंग लेडीज होता है और 40 से 50 साल की उम्र होती है, उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, घर संभालना, किचन करना, बच्चों के सब सेटिस्फाइड वर्क करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो मित्रों, इसके लिए क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं? तो होम मेडिसिन में आपको एक मेथी होता है, हर रोज मेथी रात को भिगोगे, एक चम्मच मेथी सुबह में खाने का है। मेथी का पाउडर में कैल्शियम ज्यादा होता है और हमारा जो मांसपेशी में सूजन आई हुई है धीरे धीरे सूजन कट करता है। दूसरी जो दवा होती है ये अजमो, तो कई बार अजमा खाने के बाद हाफ चमची गर्म पानी में अजमा का पाउडर लो तो ये वात और पित्त प्रकृति होता है तो धीरे धीरे ये कम कर सकता है। मित्रों, खुराक में हमको कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने का है, तो कैल्शियम किस में मिले? तो एक तो बनाना में से बनता है, पपीता में से बनता है, सफरजन में से ज्यादातर हमको विटामिन कैल्शियम ज्यादा मिलता है तो ये खाना जरूरी है। विटामिन डी के लिए हमको सनलाइट में रहो सबसे पहले और सबसे अच्छा है, सोर्स ऑफ विटामिन डी का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो और डॉक्टर ने बताया है कि आपको विटामिन डी की और कैल्शियम की खामी है, इसमें पत्ते वाले सब्जी खा सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। और इसके साथ आप जो सूप होता है ड्रमस्टिक का, तो सरगवो बोलते हैं, उसका सूप में ज्यादातर कैल्शियम होता है। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स खाओ तो ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम और विटामिन डी का ज्यादा मिलता है, विटामिन ई भी ज्यादा मिलता है, तो हमारा जो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुआ है वो ठीक कर सकता है। मित्रों, घर में जो हमको कूलंट होता है ठंडा पानी का शेक करो या गर्म पानी का शेक ऑल्टरनेट करो, स्नान करो गर्म पानी से ठंडा पानी से, तो धीरे 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 स्वेलिंग कम हो जाएगा। मित्रों, आपका जो भी वजन है वो घटा दो तो ये धीरे 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 कंट्रोल कर सकता है और आपका फ्री मूवमेंट्स जो प्रॉब्लम आया हो या क्रॉनिक प्रॉब्लम आया हो तो ठीक कर सकता है। मित्रों, आपको मैं 2-3 योगा बताता, तो सबसे पहले ये भुजंगासन जो योग है, भुजंगासन भूज से हाथ ऊंचा करने का है, धीरे धीरे उसको 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड रखने का है। जब भी भुजंगासन करो तो सांस निकाल दो और आपकी कैपेसिटी हो तब तक आप होल्ड रखिए, पोजीशन में बिल्कुल हलने का नहीं है। तो ये भुजंगासन सबसे पहले और आसन, ये हमारा जो फ्रोजन शोल्डर में काम करता है। दूसरा है धनुरासन, ये धनुरासन भी हमारा जो फ्रोजन शोल्डर है, स्पाइन का मसल्स है या सर्वाइकल का मसल्स है, इसमें भी वो होल्ड कर सकता है, स्टिफनेस आई हुई हो तो नेचुरली ठीक कर सकता है और अच्छा कर सकता है। मित्रों, आगे का जो है ये जो धनुरासन है, ये धनुरासन भी ये इसमें भी काम कर सकता है, और जो धनुरासन जो है बोइंग टाइप होता है, इसमें भी ये मसल में स्टिफनेस और सूजन या लोही का परिभ्रमण कम हुआ हो तो ये धीरे धीरे कम कर सकता है। मित्रों, धीरे धीरे आप में खुराक में चर्बी का प्रमाण है और शुगर का प्रमाण कम कर दीजिए और बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन का प्रमाण नेचुरल सोर्स से हम सीरियल ज्यादा खाइए और लेफी वेजिटेबल खाइए, तो कैल्शियम और प्रोटीन भी तुम्हारा शरीर में ठीक कर सकता है। कौन सी दवा लेंगे? तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा है ये मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेशियम फॉस्फरस। होम्योपैथिक में मैकफॉस नाम की जो दवा है ये 6x पोटेंसी में बायोकेमिक लेने का है। इसके साथ आप कैल्केरिया फॉस 6x लोगो तो होम्योपैथिक में मैग्नेशिया फॉस 6x प्लस बायोकेमिक में कैल्केरिया फॉस 6x, ये कैल्शियम एंड मैग्नेशियम फॉस्फरस का ये जोड़ा है, तो तुम्हारा जो इन्फ्लेमेशन आया है कैल्शियम लैकआउट कैल्शियम की वजह से, तो दोनों गोली में से 3-3 गोली दोनों गर्म पानी में लेके गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम को खाने के बाद लेने से आपका जो फ्रोजन शोल्डर में जो स्टिफनेस आई हुई है वो ठीक कर सकता है। मित्रों, सेकंड जो दवा है ये रस्टॉक्स नाम की दवा है। ये रस्टॉक्स दवा हमारा कोई भी इन्फ्लेमेशन, जब वेदर चेंज होता है, जब वेट वेदर होता है, जब
बारिश का सीजन होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो रस्टॉक्स दवा 30 पोटेंसिन है सुबह दोपहर शाम को लेने से तुम्हारा जो स्टिफनेस आया है मसल्स में वो ठीक कर सकता है। मित्र आगे की दवा है आर्निका 200 पोटेंसी। आर्निका क्या करता है, जो हमारा लिगामेंट टेयर वर्क हो गया हो या फट गया हो कोई एक्सरसाइज करने से या ओवर स्ट्रेन की वजह से या हमारा कोई भी एक पोजिशन में सोने की आदत की वजह से या कैल्शियम की वजह से जो लेने से आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर सकता है। मित्रों आगे की जो दवा है ये चेलिडोनियम, जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम हो और रिफर्ड पेन उनको राइट शोल्डर में जाता है तो चेलिडोनियम ये तो दवा आप उनके लिए, और कोई फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं होता है और उनको राइट शोल्डर में पेन होता है तो चेलिडोनियम दवा 30 पोटेंसिन सुबह दोपहर शाम को लेने से ठीक हो सकता है। मित्रों कई बार हमारा शोल्डर में गांठ जैसा मसल्स का हो जाता है और मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, लखना पेन का भी मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम आप रूटा 6 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को लेने से यहां जो गांठ बन गई है या मसल्स में स्टिफनेस आई हुई है तो ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो रूटा 6 पोटेंसी में आप दवा लोगे तो आपका जो भी मसल्स में पेन होता है वो ठीक कर सकता है। मित्रों उसका रिफर्ड पेन सर्वाइकल तरफ जाता है और दोनों हाथ में रहता है तो उस टाइम इपीटूएम परपूरेटम नाम की दवा है, ये 30 पोटेंसी में जब भी वेदर हमारा वेट वेदर हो या ठंडी ऋतु में बढ़ता है तो इपीटूएम परपूरेटम नाम की जो दवा है 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने से आपका ये शोल्डर में कायम ही मिट जाता है। मित्रों साथ में आप मेडोरिनम नाम की जो दवा है 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में एक बार लेने से जो भी दर्द मिट गया है ये आगे बढ़ेगा नहीं, और ये इंटरकरण नोजोड है तो इंटरकरण नोजोड आपको मेडोरिनम 1 mg पोटेंसी हर संडे लेने का है, 3 महीने तक लेने का है, बाद में स्टॉप कर देने का है। इसके साथ जो मैंने आगे इंडिकेटेड मेडिसिन बताया ये लोगे तो आपको कायम ही ये फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सकता है। मित्रों जो भी दुखावा होता है तो आपको मार्केट में से आर्मिका मदर टिंचर या कैलेंडुला मदर टिंचर आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं तो जो एक्सटर्नल सूजन है तो धीरे धीरे सूजन ठीक कर सकता है और आपका जो फ्रोजन आया हुआ ठीक हो जाएगा और आप अच्छी तरह लाइक जियोगे। मित्रों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।